वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जगन न्यूज 24। समग्र केवाईसी के लिए अवैध शुल्क वसूली करने वाले केओक्स संचालकों पर हुई कार्यवाही। आपको बता दें, केओक्स हुआ बंद, जेल भेजे गए संचालक। लाडली बहना योजना की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रखी गई है। योजना के लाभ हेतु समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से ई केवाईसी हेतु ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही MP ऑनलाइन केओक्स एवं CSC सेंटर के माध्यम से समग्र ई केवाईसी किए जा रहे हैं, जिस हेतु शासन की ओर से MP ऑनलाइन केओक्स एवं CSC सेंटर को प्रत्येक ई केवाईसी हेतु ₹15 दिए जा रहे हैं, ताकि हितग्राहियों से कोई शुल्क न लिया जाए। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा ई केवाईसी के लिए पैसे लेने की शिकायतें प्राप्त होने पर आज टीकमगढ़ SDM CP पटेल एवं तहसीलदार को जांच निर्देशित किया गया, जिसमें जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर टीकमगढ़ में 2 MP ऑनलाइन केओक्स पर कार्रवाई की गई। राघवेंद्र साहू संचालक रानू कंप्यूटर मोटेका मोहल्ला की MP ऑनलाइन की सेवाएं स्थायी रूप से बंद कर दी गई। बजरंग अखाड़ा ढोंगा रोड स्थित शिवा कंप्यूटर की भी MP ऑनलाइन की सेवाएं स्थायी रूप से बंद कर दी गई। एवं संचालक शिवम आर्य के खिलाफ FIR कराकर जेल भेज दिया गया है। जगन न्यूज 24 टीकमगढ़ से MP ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। सर बताएं, जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की? कितनी दुकानों पर? सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं। सर जो KYC के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? KYC तो फ्री है,